दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये तस्वीरें उन्हीं दो दुश्मनों के दोस्त की है। जी हां, ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम और अजरबैजान के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात की, जहां दोनों ही ये दोस्त अपने दुश्मनों के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे। अब इनके दुश्मन कौन है? तो सामने पाकिस्तान है, तो ऐसे में तो जाहिर तौर पर यहां जो दुश्मन है वो भारत है, और सामने अजरबैजान है तो फिर उसके सामने दुश्मन आर्मेनिया है। जी हाँ, इन दोनों ही दुश्मनों ने मिलकर भारत से लेकर आर्मेनिया तक के बारे में इस मुलाकात के दौरान चर्चा की है। खबर है कि दोनों देशों के बीच भारत के जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा हुई है, और वहां पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने कथित तौर पर फिर से पीओके का रोना रोया है और ये कहा है कि कथित तौर पर वो भारत के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि वहां उन्होंने फिर से प्रोपेगेंडा फैलाते हुए ये कहा कि वहां भारत अत्याचार कर रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। वहीं इसके अलावा भारत के मित्र देश आर्मेनिया को लेकर भी पाकिस्तान ने एक और बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि अजरबैजान के द्वारा जो कारावाग का क्षेत्र हासिल किया गया है उसको लेकर भी वो अपनी समर्थन देता है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान को जहां भी मंच मिले वो कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाता है, और अब अजरबैजान है जिसके कब्जे में है कारावाग, उसको लेकर भी वो लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है। दरअसल ये मुलाकात हुई उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, जहां आर्थिक सहयोग संगठन के 16वें शिखर सम्मेलन हो रहा था। इसी दौरान अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव के साथ पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकर ने मुलाकात की। इस दौरान एक दूसरे के साथ व्यापार और पर्यटन बढ़ाने को लेकर बातचीत की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच इस्लामोफोबिया, जलवायु परिवर्तन सहित कई और मुद्दों पर बातचीत हुई। इसी दौरान गाजा से लेकर भारत और भारत से लेकर आर्मेनिया तक के बारे में दोनों देशों के बीच चर्चा हुई, जिसमें दोनों ही देशों ने अपने अपने प्रोपेगेंडा का विस्तार किया। जहां तक बात की जाए भारत और आर्मेनिया की, तो भारत आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल दे चुका है। यही कारण है कि भारत और आर्मेनिया एक दूसरे के बेहद करीब हैं। वहीं बात अगर अजरबैजान की करें तो अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान का पूरा पूरा समर्थन रहा है। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी से तो आप वाकिफ हैं। जहां तक बात आर्मेनिया और अजरबैजान की है, तो ये दुश्मनी आज की नहीं बल्कि पुरानी है, और साल 2020 में नगरनो कारावाग को लेकर 3 महीने तक दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हो चुकी है। इस युद्ध में इजरायली और तुर्की के हथियारों के दम पर अजरबैजान ने आर्मेनिया को शिकस्त दी थी। बाद में रूस ने मध्यस्थता करके युद्ध विराम करवाया था। हालांकि उसके बाद भी दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ऐसे में पाकिस्तान, भारत और आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान के साथ मिलकर नई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।